क्या हुआ बाबू को सुबह सुबह? इधर आओ मामा पास, ये लो, बोले ये लो। एक बार भी पलट के नहीं देखा, शायद अपने आंसू छुपा रहा था। Oh no! उन्हीं पे बजा, मेरे पूरा करंट लगा। ड्रीम मुझे कुछ खोद के दिखाना चाहता है। 2 बजे की शिफ्ट रखो, 2 बजे की शिफ्ट रखो। ड्रीम गर्ल माधुरी मैम भी साथ में है। कैसे करती है ट्रेन गोले? कैसे करती है ट्रेन? कैसे करती है ट्रेन गोले? क्या है? नोजी? क्या है? नोजी का है? ट्रेन कैसे करती है? हाँ हाँ, तू दिख रही है बेटा, कैसे घस के फिर जा रही है। पहले भी ऐसे पकड़ी गई थी। अच्छा, इसको लगा ये दिख नहीं रही। हाँ बताओ, ट्रेन कैसे बोलती है? ट्रेन कैसे बोलती है? कैसे बोलती है? क्या हुआ बाबू को सुबह सुबह? सुबह सुबह नहा लिया बाबू ने, क्योंकि मामा शूट पे जा ली है। उदास होके बता ले हो कि मामा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा मामा, मेरी मामा सबसे प्यारी है। ऐसी कोई बात नहीं है, बता दो मामा को। तू चुप रह। कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। मामा कितनी प्यारी हो आप, मामा शूट पे जाओगे, मामा शूट पे जाएगी। चलो बाबू उठ जाओ, पहले किसने कहा था इतनी सुबह जल्दी उठने को है? उठ जाओ। ता तू बच्चा बच्चा, जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ सुबह सुबह तैयार, मैं शूटिंग पे जाने लगी। आप लोग का क्या विचार था, साथ में जाने का? ठीक, हाँ जी। क्या मतलब? हाँ जी जाना है। तो पीठ क्यों कर रही हो दीदी? वो आप नहीं समझे हैं। मतलब क्या? इसका वही एक ही जैसा लगा ना बाबू। अरे बाबू तो एक जैसा ही रहेगा दीदी। सेम 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 सेम। ये क्या लगा? ओह नो, ये क्या है? ये क्या है? ये ऐसे डिजाइन? दीदी आप कैसा डिजाइन लाती हो, इतना खराब, ऐसे रहता दाग लगा हुआ है। ये देख, यहाँ पे कहीं नहीं, यहाँ पे नहीं दीदी, ये डिजाइन है देखो। रंग बहुत बुरे लग रहे। तौबा, कितनी मोटी हो गई है दीदी। और भी मोटा होना चाहती हूँ मैं। आहे, ये क्या बात हुई? और भी मोटा होना चाहती हूँ मैं। हैं? तो पतला होता है, मैं मोटा होना चाहती हूँ। चलो गोले, मम्मा जा रही शूटिंग पे। बाय बेटा। बाय बाय बच्चू। One hour later. आज फिर मेरे फेवरेट शूट, यानी कि देखो आए डांस दीवाने। इस शूट में बहुत मजा आता है और आज तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आज 2 बजे की शिफ्ट है। तो मस्त उठी, पति के लिए खाना बनाया, बच्चे के साथ मस्ती की, बच्चे का खाना समझाया नैनीज को। तो आज ना बड़ा अच्छे से आई मैं फ्री होके, वरना तो 7 बजे निकलो घर से, 2 बजे शिफ्ट कर देना तो मजा ही आ जाए। देख लो एक माँ के लिए यार, माधुरी मैम के बच्चे बड़े हैं, सुनील शेट्टी सर के भी बच्चे बड़े हैं, लेकिन मेरा छोटा बच्चा है। तो जितने भी हमारे यूट्यूब की फैमिली है, प्लीज कलर्स के उसमें जाके इतने सारे मैसेज करो कि 2 बजे की शिफ्ट रखो, 2 बजे की शिफ्ट रखो, भारती दीदी का बच्चा छोटा है, करना है सब लोग। चलो दोस्तों तैयार करे दादा। इससे पहले दादा मुक्का मारे घूर ऐसे रहे थे। आज का स्टाइल आपका अच्छा लग रहा है दादा, अंदर टी शर्ट और ऊपर शर्ट आ नहीं रही, इसीलिए टी शर्ट डाली है। क्या बटन बंद होता है? सो गाइस फुल रेडी हैं और हमारी ड्रीम गर्ल माधुरी मैम भी साथ में है। मेरे को बड़ा मजा आता जब माधुरी मैम कॉमेडी करती, ऐसा लगता कि माधुरी मैम कोई सीरियस बात कहेंगी और फिर अब उनका एक पंच था ना वो, इतना मजा आता माधुरी मैम के साथ गैग करके। और ये सब भी यहाँ पे रेडी हैं, सुनील सर भी बैठ गए, माधुरी मैम भी रिहर्सल कर रहे हैं।
बस जा रहे हैं और आज थोड़ा लेट पैकअप होगा क्योंकि आज 2 बजे की शिफ्ट है। ओह नो। 1 बजे होगा? कितने बजे होगा? 12 बजे। कितने बजे? 11 बजे। अरे ये तो बेचारे कब से हमारे साथ ही हैं। सो गाइस, कितनी खुशी होती है जब किसी के पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको देख के हमारी बच्ची ये चीज़ कर रही है। और मुझे तो डर लगने लग जाता है कोई पेरेंट्स ये ना कहे आपको देख के हमारी बच्ची मोटी हो रही है, आपको देख के हमारी बच्ची हंस नहीं रही। तो बट इनकी बच्ची ने व्लॉग शुरू की है और कितनी अच्छी बात है, वो पढ़ाई भी करती है, डांस भी करती है और साथ में व्लॉगिंग भी करती है। और ये है स्कारलेट बर्मन के मम्मी पापा। कैसे आप? ठीक है मैम। आप पापा डरे हुए हैं ज़्यादा? नहीं डरा नहीं। वो शरेआम शक्ल पर डर, कहते नहीं डरा नहीं हुआ। एनर्जी देखो, एनर्जी। आज तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कब से खड़ी। और इस बार आज का ड्रेस ऐसा था कि उसके साथ थोड़ी बड़ी हील्स पहननी, वाट लग गई यार, वाट। पता नहीं लड़कियाँ कैसे पहनती हैं। किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम। यहाँ पे डांस दीवाने पे इतना मजा आता कि लोग, मुझे लगा था माधुरी मैम सुनील सर है बट इतना प्यार करते हैं मुझे भी। ये देखिए भाई साहब मेरे लिए पेठा लेके आए हैं। ये पेठे के ऊपर क्या फंगस लग गई? नहीं नहीं नहीं, चॉकलेट वाला। अरे वाह, मुझे डरा दिया, मैं कहा पेठे पे फंगस नहीं लगी। क्या बात है, इसे कहते हैं आगरा का अंगूरी पेठा। भैया फोटो। नहीं 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 भाई, ये मेरे लिए लाए थे, उनको क्यों दे रहे हो? दो 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 दादा, ओ रखो, थैंक यू भैया, आप आगे तक जाओ, मैं आपकी सिफारिश पूरी करूंगी। मैं अभी चैनल में जा रही हूँ आपकी रिक्वेस्ट करने। चलिए जी, पैकअप हो गया, घर चलते हैं, देखते हैं घर में क्या हो रहा है। पूरा पूरा दिन बच्चे के बिना निकल जाता है यार। बट मैं एक बात बोलूँ, बहुत सारी मम्मियाँ हैं वहाँ पर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब गोला सबसे छोटा है बट और भी बच्चे हैं, मम्मियाँ हैं, बड़ी स्ट्रांग मम्मियाँ हैं, उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। काम तो अभी करना ही है क्योंकि अगर मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं तो ये शहर इतना महंगा और ऐसा है कि यहाँ पे पूरी फैमिली को काम करना पड़ता है, फिर आप सर्वाइव कर सकते हो। बट कोई बात नहीं, भगवान की पूरी दया है, अच्छा काम कर रहे हैं मैं और अश्वि। चलिए देखो, शीला ने दरवाज़ा खोल दिया। हेलो शीला, कैसी है तू? कैसा है बाबू? किधर गया बाबू? अरे बाबू, ए बाबू, उसको देख ले। अरे चोटी दिखा, वाह लड़की बड़ी हो गई, मैं छोड़ के गई, लड़की बड़ी हो गई। वाह 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 वाह, जब घर आओ शूटिंग से और बच्चा बच्चा फुल एनर्जी में मिले तो डर जाना चाहिए कि ये नहीं छोएगा। गोले आप छोगे? गोले आप छो जाओगे? हाय रब्बा। अच्छा गोले, मम्मा कहाँ गई थी? शूटिंग। गोला किसका बेटा है? बुआ। बुआ? बुआ। बुआ किसका बेटा है गोला? किसका बेटा है? दादी का बेटा है ना? मम्मा को किच्ची दे दो, मम्मा को, मम्मा को दे दो यार, घर आके मजा आता ना बच्चे के पास। इधर, अरे बंद कर दो, हवा किथे जाना जलंधर। इधर आ मम्मा पास, ये लो गोले, ये लो, ये देखो, याई 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 डूम 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 डूम। सो भाई बस अब जाते हैं अंदर, देखते हैं पति क्या कर रहा है। की बाबलू, बोले मामा कहाँ गई थी? शूटिंग। किसने कहा? सो गाइस, मैं घर आ गई हूँ, बाबू तो उधर है लेकिन बाबू का बाबू इधर है, सारा दिन काम करता रहता है। और क्या करता है, आज तो थकता नहीं यार, इतना सोचता लिखता, ये क्या करता रहता है यार। और ये इसका नाम क्या है? बुर 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 बुर। गाइस मैं आपको कहूँ, क्या कहूँ, कमाल के उफ, अपने व्लॉग छाए पड़े हैं। मैं डांस दीवाने में जितने कंटेस्टेंट से मिलती हूँ, सबके मम्मी पापा बच्चे बोलते हैं आपके व्लॉग देखते हैं, आपके व्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, इतने सारे लोग बोलते हैं व्लॉग देखते हैं, फिर ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आता हर बार? राजू भाई आप ही बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊँ भाई, बड़ा अच्छा लगता है जब मेहनत करो और वो चीज़ का फल मिले ना, तो ऐसा लग जाता है कि यस भगवान देख रहा है। ऐसा तो कभी कभी, इतनी मेहनत की क्यों नहीं हो रहा,
बट जिसमें आप दिल से मेहनत करते हो वो चीज तो बनी जाती है। और माँ के आने की खुशी में चद्दर फाड़ा जा रहा है। शोनी बच्ची, मेरी पाली बच्ची, ओ मेरी भूरी भाई, आई पर ये मुझे कुछ खोद के दिखाना चाहता है कि फाड़ना चाहता है। खजाना है बाबू, मेरे कच्चे रखे हैं। क्या अंदर खजाना है मेरे कच्चे? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। पीछे से एक बात बोलू यार, पीछे से क्या आगे से बोलती हूँ। अब मैं शूट पे जाती हूँ ना, हर्ष पूरा घर साफ रखता है। बस यही टी शर्ट है जो यहाँ पे पड़ी, वरना ये सोफा देखो, कभी जिंदगी में देखा आपने कभी ऐसा साफ देखा? नहीं। हाय यार, मैं घर पे था नहीं। क्या? मैं घर पे था नहीं, मैं एक्चुअली ऑफिस गया था। तो तभी मैं कहूँ कि तू भाई सुधर ही नहीं सकता। मतलब हर्ष का दूसरा नाम पसारा। सही जो। पसारा पसारा, मैं हूँ एक पसारा। बहुत पसारा डालता है, बट आज इसने पसारा नहीं किया, मेरा सहारा बना ही आज पसारा नहीं। सो गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ। गोला अभी उधर है और बहुत ज़्यादा बिजी है, तो कुछ नहीं, ब्लॉग को एंड करती हूँ। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बाय। अब मैं सीरियस रहा करूँगी, मैंने नहीं हंसना। सो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ठीक है गाइस? ओह नो। अच्छा हुआ लगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो। नहीं नहीं।